और एके मिश्रा है राजनीतिक विश्लेषक। इससे पहले कि मैं आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में, इससे पहले कि मैं राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता के पास जाऊं, सबसे पहले मिश्रा जी आपके पास आपसे जानना चाहेंगे कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, इसके क्या मायने हैं, कितनी खुशी ये बीजेपी के लिए और कितना नुकसान ये समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, बीजेपी क्या संदेश देती है, समाजवादी पार्टी क्या संदेश देती है, वो मायने नहीं रखता है। अपर्णा यादव और ये घटना क्या संदेश देती है दुनिया को, ये जरूर मायने रखता है। अपर्णा यादव का अगर विगत कुछ वर्षों की एनालिसिस की जाए तो जो उनकी छटपटाहट है ये बताती है कि उनकी स्थिति समाजवादी परिवार में, यादव परिवार में ऐसे ही थी जैसे कौओं के बीच में हंस, वो अकेली एक हंस थी, या कौओं के बीच में एक अकेली कोयल, वो छटपटा रही थी, वो वहां से निकलने के लिए जो है तैयार थी, रास्ते ढूंढ रही थी, क्योंकि वो एक सनातनी सिद्धांत की जो है नेत्री है, नेता है, और उनके अंदर जो एक सनातनी सिद्धांत, जो सनातनी विचारधारा रही है, राष्ट्रवाद की जो धारा रही है, वो राइट प्लेटफॉर्म नहीं था, वो रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे थी। और मैं समझता हूँ कि एक नारी ही जो एक कांग्रेस ने जो एक नारा दिया है प्रियंका गांधी ने, मैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, असली नारा तो ये फिट होता है अपर्णा यादव के ऊपर। एक नारी के संघर्ष की ये कहानी है और किस तरीके से वो सारे बंधनों को तोड़ के एक ऐसी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, सनातन विचारधारा वाली पार्टी में अगर वो जा रही है, पूरे कुनबे से विद्रोह करके जा रही है, ललकारते हुए कि मैं जा रही हूँ राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद को ज्वाइन करने, सनातन विचारधारा को ज्वाइन करने, और जिसको जो उकालना हो उकालने, तो वो यादव वंश की छटपटाहट है। जिस हिसाब से इन्होंने बहुत सारी जो है तर्क कुतर्क उल्टे सीधे चीजें करते हैं, वो इतने टैलेंटेड जो है व्यक्ति अपर्णा यादव के लिए वो राइट प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं तो बोलूंगा सही परिवार में, जो 100 करोड़ सनातनियों का परिवार है, उसमें आज अपर्णा यादव की प्रविष्टि हुई है। मैं बधाई देना चाहूंगा, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सद्बुद्धि दी और हिम्मत दी कि ऐसे बंधनों को, कुबंधनों को एक जो है लड़की, एक औरत तोड़ के आ रही है। भारतीय नारी की असली पहचान है अपर्णा यादव। एके मिश्रा, क्या इससे अपर्णा यादव के बीजेपी में आने से बीजेपी को, एक तो आप ये बताएं कि कितना फायदा होने वाला है, दूसरी चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो विधायक और मंत्री बीजेपी का साथ छोड़ के समाजवादी पार्टी में चले गए, क्या एक तरीके से ये उसका जवाब देने की कोशिश की जा रही है, उसकी रिकवरिंग करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हमारे अभी जो सारे मित्र बैठे हुए हैं कांग्रेस वगैरह के, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि समाजवादी और भाजपा की टीम क्या बोल रही है इनके अपर्णा यादव के आने जाने को लेके, वो उनका राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। अपर्णा यादव का जाना, खुद अपर्णा यादव क्या संदेश दे रही है, जो काम उन्होंने किया उस काम का क्या संदेश जा रहा है, तो सांकेतिक रूप से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और बहुत बड़ा जो है ये मुद्दा है, मैं मानता हूँ। ठीक है, देखिए, आना जाना लगा रहता है, संविधान ने सबको हक दिया है। अपर्णा यादव से ये पूछा जाए कि अगर वो समाजवादी पार्टी में ही रहती, और जैसा कि समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हैं, खुद अखिलेश यादव ने बोला कि भगवान कृष्ण ने सपने में आके उनको बोला आपकी सरकार बन रही है, तो उनके छोटे भाई की जो बहू है, वाइफ है, धर्म पत्नी है, उनको ही नहीं इस पे विश्वास है इस सपने के ऊपर, उन सिद्धांतों के ऊपर विश्वास नहीं है। सैद्धांतिक रूप से आप इसके मतलब को समझिए, पार्टी कोई भी हो, हर पार्टी से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। अपर्णा यादव कांग्रेस में भी तो जा सकती थी। मैं तो समझता हूँ सबसे फेवरेबल इन्वायरमेंट एक लेडी के लिए, एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए कांग्रेस में है। पूरा उनका कैंपेन ही चल रहा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन वो कांग्रेस में नहीं गई, वो चाचा जी के साथ, चचिया ससुर के साथ नहीं गई, वो और बहुत सारी पार्टियां हैं। एक पार्टी ने तो ऑफर दिया था कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 10 डिप्टी सीएम, इससे बढ़िया ल्यूक्रेटिव ऑफर कहां पे था, वहां कहीं नहीं गई। और मुझे भी पता है कि अपर्णा यादव को टिकट मिल जाए, विधायक बन जाए, ये बहुत बड़ी चीज है, कोई उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद। और ये अपर्णा यादव को भी पता है कि भाजपा में जाने पे जो है उनका कहीं कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पद उनके लिए नहीं है। जो मेरे मित्र ने अभी बोला, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि जो दो मुख्यमंत्रियों ने, उप मुख्यमंत्रियों ने अगर स्वागत किया तो उसके पीछे एक कारण है कि एक साधारण कार्यकर्ता का जब मनोवृत्ति बदलती है, जब वो सनातन की तरफ, जब वो राष्ट्र प्रेम की तरफ लौटता है, तो उसका सम्मान, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसका सम्मान बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराजा और हस्तियां मिलकर करते हैं। इसका ये मैसेज है, मैसेज ये नहीं है। देखिए, कद्दावर नेता आने पर तो सब सम्मान करेंगे, जो जो पूर्व मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उसका सब तो सब करेंगे।
साधारण पे पुत्र वधू का सम्मान कौन करेगा, आप मुझे बताइए। नहीं नहीं, साधारण आप किन शब्दों में उन्हें कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मुलायम परिवार की वो बहू है, उनकी पहचान एक ये है या फिर देखिए साधारण वो इसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे मित्रों ने बोला, उनका कोई राजनीतिक रसूख नहीं है, हमारे सारे मित्रों ने बोला कि धरातल पे उनकी कोई नेतागिरी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, तो पॉलिटिक्स के फील्ड में वो एक साधारण आदमी की तरह है। पॉलिटिक्स के फील्ड में उनका कद किसी एक साधारण जो लोकल जो है राजनेता होता है बहुत छोटा सा, उससे ज्यादा मैं नहीं मानता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी और भाजपा क्या सोच रही है, क्या मैसेज दे रही है, वो बायस जो हो सकता है उसको छोड़ दीजिए। मैं सिद्धांत परक जो है एनालिसिस कर रहा हूँ और अपर्णा यादव को एक साधारण आदमी मानता हूँ राजनीति के फील्ड में। जो हमारे मित्रों ने बोला मैं भी मानने को तैयार हूँ, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, वो साधारण है। के बी त्रिपाठी कुछ कह रहे हैं, त्रिपाठी जी था कि जैसा अभी एके मिश्रा साहब बोल रहे हैं, मैं उसमें यही जोड़ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो ऐसा पक्ष सामने उभार रहे हैं कि एक काम करके योजना का संकल्प लिया कराने, भाजपा सपा कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, एक साधारण महिला एक पार्टी में जा रही है, थोड़ा मतलब क्या है। हाँ, एक आदमी राष्ट्र आराधना के लिए निकला है और उसके स्वागत के लिए इतने सारे लोग खड़े थे, ये संकेत जा रहा है। और शायद इनको खबर नहीं, मिश्रा जी को थोड़ा अध्ययन बढ़ाएं कि जो दो चरणों के टिकट जारी हुए हैं वहां पे लोग कह रहे हैं मैं पूर्णकालिक रहा हूं, मैंने 12 वर्ष पूर्णकालिक बिताया, मैं लगातार 26 वर्ष से राष्ट्र आराधना कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट नहीं दे रही है, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अरे जो सालों से आपके यहाँ राष्ट्र आराधना पूर्णकालिक बिता रहे हैं उनको तो आप टिकट नहीं दे रहे, उनको सम्मान नहीं दे रहे, पैरा से कोई कूद के आ जाएगा उसको आप टिकट दे रही है। तो मिश्रा जी बोलने में थोड़ा तो संतुलन रखिए। मेरे मित्र आप कान के बड़े कच्चे हैं, ध्यान लगा के सुनते नहीं है, ओवर हेल्पिंग नेचर छोड़ दीजिए डिबेट और राजनीति में। मैंने पहले ही बोल दिया सपा बसपा कांग्रेस की बात मत करिए, इस घटना को आप ऐसा देखिए कि एक साधारण आदमी एक पार्टी ज्वाइन कर रहा है और पार्टी की बड़ी बड़ी हस्तियां उसका स्वागत कर रही है, एक साधारण आदमी का पार्टी ज्वाइन करना और पार्टी आप मानते हैं कि उप मुख्यमंत्री उनका स्वागत करें, बिल्कुल डिजर्व नहीं करती है, ये विचारों का स्वागत है, ये अपर्णा यादव या यादव वंश के बहू का स्वागत नहीं है, ये विचारों का स्वागत है। उनको आप टिकट नहीं दे रहे हैं जिन्होंने जीवन भर, अरे आना जाना लगा रहेगा सर, आपके यहाँ तो कोई याद ही नहीं रहा है, टिकट नहीं दे, आपके यहाँ पिछले 5 सालों से कोई याद ही नहीं रहा है, आपके यहाँ से पिछले 5 सालों से कोई आ भी नहीं रहा है, कोई आपके दरवाजे पे फटक भी नहीं रहा है, कांग्रेस के दरवाजे पे कोई फटक, 403 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे सर आपको, ये मान के चलिएगा 403 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे आपको, जीत और हार तो छोड़ दीजिए, 403 एकदम निरपेक्ष होकर कैंडिडेट आपको नहीं मिलेंगे स्वेच्छा से। लेकिन अगर इस हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो क्या जिस तरीके से अपर्णा यादव अब बीजेपी में आई है, उनका समाजवादी पार्टी से मोहभंग होने की जो बात है उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि आखिर वहां से क्यों उनका मोहभंग हो गया? देखिए ये बहुत डीप लेवल पे जाके एनालिसिस करनी पड़ेगी। अपर्णा यादव की जो परवरिश हुई है, जो संस्कार है, वो कुछ और ही है, और आदमी गलत संस्कारों के बीच में अगर फंस जाए ना, गलत माहौल में, तो वो एक अंतर्द्वंद चलता रहता है। मुझे ये लगता है कि अपर्णा यादव को कोई राजनीतिक अभिलाषा नहीं है, कोई धन की कमी नहीं है, नाम प्रसिद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ में आता है कि विचारों का अंतर्द्वंद अंतर कलह वो चल रहा था, क्योंकि उनकी परवरिश एक धार्मिक सनातनी परिवार धारा में हुई है। बिस्ट लोग जो होते हैं बाई चांस देखा जाए तो वो बड़े धार्मिक होते हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो उनका लालन पालन एक दूसरे माहौल में हुआ, सनातनी माहौल में, और वो अंतर्द्वंद जो था वो उनको चैन से जीने नहीं दे रहा था, और अंततः उस अंतर्द्वंद ने उस महिला की जो है शक्ति की पराकाष्ठा, महिला शक्ति की, कि सारे अंतर्द्वंदों को तोड़कर, सारे बंधनों को तोड़कर वो अल्टीमेटली जैसे एक जो है नदी सिंधु में जाके मिलती है, ठीक उसी तरीके से अपर्णा यादव को जहां होना चाहिए। बात यहां फिर नेतागिरी की नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये नेता कद वगैरह छोड़ दीजिए, ये विचारधाराओं का मिलन है, और जब तक
एक बूंद जब तक नदी में ना मिल जाए सेम मतलब उस तरीके से तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। तो ये काम आत्मसंतुष्टि आत्म शांति के लिए किया गया है, न कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती तो मैंने बताया बहुत से पार्टियों ने ऐसे भी ऑफर दिए हैं कि हम 5 जो है सीएम और 10 डिप्टी सीएम बना देंगे, तो वहां जाके ज्वाइन करना चाहिए था ना। त्रिपाठी जी आप कुछ कह रहे हैं? ये कह रहा था कि अभी हमारे साथी ए के मिश्रा साहब कह रहे थे कि सनातनी हैं और उनका परिवार ऐसा है, मतलब जो धार्मिक हैं वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बाकी दूसरी पार्टियों के लोग बहुत अधार्मिक होते हैं। मेरी पहली उस पर आपत्ति थी कि मैं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, प्रवक्ता हूं, और मैं बहुत धार्मिक हूं। ए के मिश्रा साहब, मैं भी सनातनी परिवार से आता हूं और मैं हमेशा पूजा पाठ करता हूं, इसलिए ये कोई आधार नहीं होता। दूसरी बात, अपर्णा यादव के लिए जैसा आपने कहा कि वो गलत जगह फंस गई हैं, अब ये तो समाजवादी पार्टी बेहतर बता सकती कि फंसी या नहीं फंसी, लेकिन अभी तक इतने दिन तक उन्हें समझ में नहीं आया। उसी समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ चुकी थी, लेकिन आज अचानक उन्हें राष्ट्र का इतना प्रेम जागा, और वो भी अब चुनाव के समय जागा, जब सीट चाहिए थी, टिकट चाहिए थी। 4.5 साल सपा से चुनाव लड़ने के बाद भी वो वहां पे सुरक्षित थी। मिश्रा जी मैं बता दूं, इनका पहला सवाल है जो धार्मिक अधार्मिक। मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में बोला था कि राजनीति बात मत करें, ये इंडिविजुअल अपर्णा यादव एक व्यक्तिगत इंसान है, उन्होंने डिसीजन लिया है तो ये व्यक्तिगत तौर पे चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए मैंने बोल दिया भाजपा कांग्रेस सपा को छोड़ दीजिए। रही बात धार्मिक अधार्मिक होने की, ना तो मैंने आपके ऊपर सवाल उठाया, ना मैंने किसी की मर्यादा का हनन किया। तो आप धार्मिक है कि नहीं है वो फर्क नहीं डालता है, आपके आपके कुलीन नेता कितने बड़े धार्मिक है वो फर्क जरूर डालता है। ये सर्टिफिकेट जाके लीजिए और दीजिए अपने टॉप लीडर के पास, पहले तिवारी जी सुन लीजिए। दूसरी चीज मैं फिर बोल रहा हूँ, राजनीति से परे होकर के जब जागो तभी सवेरा। अरे यहाँ पे वाल्मीकि जैसा डाकू, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो सनातनी हो गया, और उसके साथ मैं और इतिहास की आपको कहानियां बताऊंगा। तो जब आदमी का हृदय परिवर्तन हो सनातन परिवार में उसका स्वागत हूँ। कि भाजपाई होना और सनातनी होना आपके हिसाब से एक बात है ना, आपके पूरे वक्तव्य से यही समझ में आ रहा है कि सनातनी होना और भाजपाई होना एक बात है। एटलीस्ट इतना तो जरूर है कि जिस हिसाब से केवल भाजपा एक पार्टी है जिसने सनातनी सिद्धांतों को अपने मैंडेट में डिक्लेयर किया, आप डिक्लेयर करते हो कि राम सेतु नहीं है, राम मंदिर नहीं है, आप तो ये डिक्लेयर करते हो। भाजपा ने कम से कम कुछ सनातन सिद्धांतों का डिक्लेरेशन उसको मैंडेट बनाया। सेक्युलरिज्म से चलता है देश, क्या आप? अरे भैया उसी संविधान में सबसे पहले जगह भगवान श्री राम को दी गई है। एक बात है, ये संविधान सनातन विचार से चलता है, सेक्युलरिज्म से नहीं। संविधान के पहले पन्ने पे भगवान राम का चित्र है, प्रभु श्री राम का चित्र संविधान के पहले पन्ने पे है, ये सिद्ध करता है कि ये देश संविधान से चलता है, लेकिन संविधान सनातन से चलता है। एसके मेहंदी साहब, ठीक है, हमारे साथ एसके मेहंदी साहब भी हैं। मेहंदी साहब, आराधना मिश्रा ये कह रही हैं, आराधना अपर्णा की बात अगर करें, माफ कीजिएगा, अपर्णा ये कह रही है कि मैं चूंकि राष्ट्र आराधना करने निकली हूं और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने शामिल होते ही इस तरह का बयान दिया, तो क्या समाजवादी पार्टी में राष्ट्र आराधना करने का उन्हें मौका नहीं मिला, और यहां से आखिर उनका मोहभंग क्यों हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद ही वो सनातन धर्म में है? वो ये कौन सी बात हुई? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीति पार्टी है और धर्म अलग है। ये हर राजनीति वो धर्म के आड़ में करना चाहते हैं। यही बात है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे विश्वास अलग बात है, सनातन धर्म की नीतियों पे विश्वास अलग बात है। मैं आपको समझाता हूँ, अपर्णा यादव की हालत ऐसे ही थी, वो मैंने बोला बिस्त परिवार बड़ा धार्मिक होता है, सनातनी होता है, उनका लालन पालन सनातनी विचार धर्मों से हुआ है। उनकी हालत ऐसे ही थी जैसे 32 दांतों के बीच में कोमल जीवा की बात आपने करी थी, पुत्र वधु को ये सम्मान की आपने बात करी थी, तो पुत्र वधु का भी कर्तव्य है ना कि अपने जो है पति और जो घर वालों परिवार वालों का सम्मान करना। परम कर्तव्य होता है सिद्धांतों की रक्षा करना, यहाँ के लाखों साल जो पुराने सिद्धांत है उसकी रक्षा करना, उसके बाद रिएक्शन वगैरह सारी चीजें आते हैं। अगर ऐसा रहा होता
तो आप ये बताइए अपर्णा यादव ने जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया उस समाजवादी पार्टी में महिलाओं की कोई जगह नहीं है, ये चीज बताती है। महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है और मायावती का सम्मान आपने किया था, भूल गए क्या? बताना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा, हथौड़े से बार बार आपके दिमाग पे प्रहार करना पड़ेगा। इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी आप लोगों की हो गई है, गजनी बन गए हैं आप लोग। वो जो एक पिक्चर आई थी ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लाज, सारे समाजवादी विषय पार्टी के प्रवक्ता गजनी बन के अभिलेश भैया को डुबाने पे लगे पड़े हैं। मेहंदी साहब ऐसा है, सुनिए, देखिए देखिए देखिए, जब दुखती नफ्स, जब किसी की दुखती नफ्स पे हाथ रख दिया जाता है तो वो वैसे ही चिल्लाने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सारे समाजवादी लोग चिल्लाना जानते हैं। आप जैसे समाजवादी नेताओं के कारण, और ये आपको मेहंदी साहब आपको जो जवाब दे रहे हैं वो एक के मिश्रा है। एक सेकंड मेहंदी साहब, जो आपको जवाब दे रहे हैं इस वक्त जिन्हें आप सुन रहे हैं वो एके मिश्रा है, राजनीतिक विश्लेषक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अच्छा, दूसरे अच्छा। प्रशांत जी जो अभी शांत है उनके पास भी जाएंगे। अच्छा नहीं, अभी अभी सुबह ये बात हो रही थी, इससे मैंने जवाब दिया था। बेहतरीन से होना चाहिए, मेरा पार्टियों से लेना देना नहीं है। मैंने डिबेट के पहले ही बोल दिया कि सपा बसपा कांग्रेस की बात मत करिए। अपर्णा यादव का भाजपा में जाना एक व्यक्तिगत मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। समाजवादी पार्टी की नेता नहीं गई है अपर्णा यादव, एक व्यक्तिगत इंसान की तरह गई है। इस फर्क को आप नहीं समझ पा रहे हैं। यही माइक्रो लेवल का फर्क आपके राहुल गांधी समझ जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए होते। एसके मेहंदी साहब, देखिए क्या हुआ, क्या था, क्या उनको लखनऊ कैंट से, जो कि पिछली दफा वो चुनाव लड़ी थी, इस बार भी वो दावेदार थी, क्या समाजवादी पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी, क्या उनका टिकट कट रहा था, आखिर अंदर खाने में क्या हुआ जो उनका मोहभंग हुआ और वो दूसरी तरफ चली गई? अब अपर्णा यादव बेहतर दे सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वो वजह वो बताएंगी नहीं कि क्या वजह थी कि वो उनको भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है पकड़ना पड़ा, जबकि उनके परिवार की पार्टी समाजवादी पार्टी इतने बड़े स्तर की, आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, मेनका गांधी क्यों कांग्रेस छोड़ के चली गई थी, मेनका गांधी क्यों कांग्रेस छोड़ के चली गई, अपनी पार्टी बना ली थी, जरा प्रकाश डालिए। चाचा जी क्यों समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए, जरा प्रकाश डालिए। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तर्क है नहीं, नॉलेज है नहीं, बस अपनी बात धुने पड़े हैं कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है। और अखिलेश भैया की ठीक है, त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, के बी त्रिपाठी जी, राजेश जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि मुझे तो ये लगता है कि उनके जाने का वही कारण है जो 5 करोड़ की लंबरगिनी का आरोप लगता था या तमाम भ्रष्टाचार के आरोप समाजवादी पार्टी पे लगते रहते हैं। उनसे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक वॉशिंग मशीन लगा रखी है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, भारतीय जनता पार्टी एक इस तरह का हार और माला लिए बैठी है कि कोई भी भ्रष्टाचारी आ जाए उसे पहना दो, उसके बाद वो पवित्र हो जाता है। प्रशांत, आपसे सवाल यह है कि जिस तरीके से नेताओं का इधर उधर होना शुरू हो चुका है, लेकिन अब जब अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में आती हैं तो जो लखनऊ कैंट की सीट है उसको लेके काफी विवाद चल रहा है। नाराजगी रीता बहुगुणा जोशी की भी सामने आई है, वो अपने बेटे की दावेदारी वहां से कर रही है। क्या बीजेपी में मुश्किलें और बढ़ सकती है उनके आने के बाद? देखिए,